हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, कैलकुलस का ये चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी वैल्यू की साइन को हटा के जो वैल्यू दी जाती है, नेगेटिव या पॉजिटिव को हटा के ओनली पॉजिटिव वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू जो दी जाती है वो वैल्यू कहते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्टार बिलोंग्स टू आर इज द मेजर ऑफ हाउ लार्ज एक्स इज विदाउट रिगार्ड्स टू इट्स साइन। यानी कोई अगर सपोज -10 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 10। इसे -20 या 20 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी दोनों की 20। तो इसके साइन को हटा के अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव हटा के जो वैल्यू दी जाती है उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। अब बेसिकली मोड एक्स भी इसे पढ़ते हैं। मोड एक्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स को किस तरह से डिफाइन करते हैं? एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। क्योंकि अगर माइनस एक्स यहाँ पे पुट करने से यानी एक्स की वैल्यू अगर सब -10 है एक्स की वैल्यू तो माइनस -10 ये हो जाएगा हमारे पास 10, तो साइन हट जाएगा। तो बेसिकली इसलिए हम इसको मोड को इस तरह से डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं वो है हमारे पास जो मोड ऑफ जीरो जो होता है वो जीरो होता है और मोड ऑफ एक्स जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। हर रियल लाइन पे मोड ऑफ एक्स जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमेशा याद रखना किसी भी पॉइंट की एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अनदर ऑब्जर्वेशन दैट कम्स इन इन द हैंडी माइनस ऑफ मोड एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू मोड एक्स। बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव रहेगी बट इसकी वजह से माइनस हो जाएगा तो माइनस ऑफ मोड एक्स लेस देन और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्यों ये कुछ पॉजिटिव टर्म रहेगी तो हमेशा इस तरह की कंडीशन को फॉलो करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इनइक्वलिटीज एंड इक्वलिटीज में डिफरेंस। बेसिकली इनइक्वलिटीज एंड इक्वलिटीज का क्या मतलब होता है? इनइक्वलिटी में हमारे पास लेस देन इक्वल का साइन होगा और इक्वलिटी में इक्वल का साइन होगा। इफ वी टेक टू नॉन नेगेटिव नंबर्स 3 एंड 5 देन वी हैव 3 + 5 = 8। द सेम वर्क इफ बोथ मोड ऑफ 3 + 5 कर रहे हैं और इक्वल टू मोड ऑफ 3 + मोड ऑफ 5 क्योंकि इसकी वैल्यू भी 3 होगी इसकी वैल्यू 5। द सेम वर्क विद द नंबर ऑफ नेगेटिव अगर ले तो -3 -3 जो कि होगा हमारे पास अंदर -8 जो कि मोड लगा हुआ है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी जो कि 8 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे भी -3 की वैल्यू 3 ली जाएगी +3 सॉरी 5 तो ये हो जाएगा 8। बट अगर अगर हम एक नंबर को पॉजिटिव एक नंबर को नेगेटिव ले लेते जैसे हमने 5 को पॉजिटिव ले लिया और इसको नेगेटिव ले लिया तो -3 तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 + -3 जो होगा हमारे पास 2। मोड ऑफ 2 बराबर 2 रहेगा। बट जब हम मोड को इस तरह से डिफाइन करना चाहें इस तरह से खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ 5 + -3 जो कि 5 + 3 जो कि 8। यानी कि हमारे पास ये यहाँ से इसको इस तरह की कंडीशन को इस तरह से कह सकते हैं हम मोड ऑफ ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। इस इक्वलिटी को फ्रेंड्स ट्रायंगल इक्वलिटी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये कंडीशन जो ट्रायंगल इक्वलिटी कंडीशन होते हैं हमेशा रियल लाइन पे एग्जिस्ट करती है एक्सक्लूडिंग द केस +∞ -∞ +∞ क्योंकि ये टर्म जो है डिफाइन नहीं होती है। इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे अगर कोई फाइनाइट नंबर है तो उसके लिए ये इक्वलिटी हमेशा होल्ड करती है। यहाँ पे हम भी ये भी कह सकते हैं ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ प्लस मोड ऑफ बी बिकॉज ए जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए होता है और बी जो है वो लेस देन इक्वल टू मोड बी होता है क्योंकि या तो हो सकता है ये टर्म जो है -10 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ -10 क्यों होगा क्योंकि -10 जो है वो लेस देन 10 होगा। अरे एग्जाम्पल की हेल्प से ले अगर ये पॉजिटिव है तो इक्वलिटी इक्वल ही है अदरवाइज लेस देन है। तो
तो इस तरह से आप दोनों को अगर ऐड कर दें तो ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। यहाँ से तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये कंडीशन हमेशा होल्ड रहेगी। इस तरह के लिए हम जब माइनस साइन के लिए बात करेंगे तो माइनस ए प्लस बी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, बिकॉज माइनस ए जो होता है वो भी हमेशा लेस देन इक्वल टू मोड ए होता है। क्योंकि अगर देखें तो माइनस टेन की बात करें तो अगर इसकी बात करें तो ये माइनस माइनस जो हो जाएगा, ए को अगर माइनस टेन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस टेन, तो ये भी टेन लेस देन इक्वल टू कंडीशन होल्ड कर रही है यहाँ पे। और अगर हम ए को प्लस ले लें तो ये माइनस टेन हो जाएगा, ए को प्लस टेन ले लिया हमने तो ये माइनस टेन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ टेन, जो माइनस टेन लेस देन इक्वल टू टेन, ये कंडीशन होल्ड कर रही है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि माइनस ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो यहाँ से ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू है। दस बोथ कंडीशन ए प्लस बी एंड माइनस ए प्लस बी आर लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस बी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी एंड माइनस मोड ऑफ ए प्लस बी जो होंगी वो लेस देन होंगे मोड ऑफ ए प्लस लेड ऑफ मोड ऑफ बी। तो ये चीज प्रूफ हो गई। अब ये जो प्रूफ हो गई तो इसका मतलब ये चीज जो है ये क्या होता है, या तो ए प्लस बी होता है मोड ऑफ ए प्लस बी का मतलब, या माइनस ए प्लस बी होता है। तो ये चीज जो है वो लेस देन हमेशा मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। तो ये यहाँ से ट्रेंगुलर जो इनक्वालिटी है वो प्रूफ हो चुकी है। जब पर मल्टीप्लाई के केस में करते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में ए डॉट बी बराबर मोड ऑफ ए डॉट बी होता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम बात करें सपोज, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें मोड ऑफ ए प्लस ए बी, अगर सपोज ए को इसको हम प्रूव करते हैं फ्रेंड्स, हम ये यहाँ देख ही चुके हैं कि ए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मोड ए होता है और बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मोड बी होता है, और साथ में ही माइनस ए जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए होता है, माइनस बी जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी होता है। अगर हम देखें मोड ऑफ ए बी को हम ओपन करें तो ये क्या होगा, ए बी या माइनस ए बी। तो इस कंडीशन में हमारे पास इसका मतलब है या तो हमारे पास ए नेगेटिव बी पॉजिटिव या फिर बी नेगेटिव ए पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव का अगर मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सॉरी माइनस ए एंड माइनस बी, माइनस ए डॉट माइनस बी, जो कि दोनों पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। और चूंकि मोड ऑफ ए बी जो होता है वो भी पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारे पास ए बी आ गया। बट जब हम यहाँ पे बात करेंगे अगर एक एक ए नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो बट इस मोड की वजह से वो चीज भी हमारे पास टोटल टर्म जो होगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। तो और ये टर्म की जो कि ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, तो इस कंडीशन हम कह सकते हैं मोड ऑफ ए बी ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसके लिए इक्वलिटी की कंडीशन होल्ड करती है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डिस्टेंस। थैंक यू फ्रेंड्स।